प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 4 में दिए गए एक्टिविटी नंबर 4 की प्रैक्टिस करेंगे। ये पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है, लेट्स रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दे आर ऑल एक्शन वर्ड्स। यानी नीचे में दी गई जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो सारे एक्शन वर्ड्स हैं, तो इसे हमें पढ़ने के लिए कहा गया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स को कहा जाता है, यानी वो सारे वर्ड्स जिससे पता चलता हो कि कार्य हो रहा है, तो उन सारे वर्ड्स को एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहते हैं। पहला है कट यानी काटना, ए लेमन एन एप्पल। तो हम नींबू या सेब इसको हम काटते हैं, कट करते हैं। वॉश, ये भी एक्शन वर्ड है। ए डिश ए कप, यानी डिश यानी प्लेट, कप तो इसे हम वॉश यानी धोना, तो ये भी कार्य है। पोर यानी उड़ेलना, द वाटर, जैसे हम पानी को उड़ेलते हैं ग्लास से उड़ी या अगर जग से ग्लास पर उड़ेलते हैं, पोर करते हैं, वैसे ही द मिल्क इसको भी उड़ेला जाता है यानी पोर करते हैं। ओपन द लीड, ओपन द केन, ओपन यानी खोलना, तो ढक्कन को खोलना और कैन। वैसे ही स्क्वीज, स्क्वीज वन हाफ ऑफ ए लेमन, यानी नींबू के कटे हुए भाग को निचोड़ना। स्क्वीज वन हाफ ऑफ एन ऑरेंज और संतरा, इसको स्क्वीज यानी निचोड़ना। पील यानी छिलके को उतारना, पील ए बनाना, पील ए पोटेटो, तो उसके छिलके को उतारना। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, कट पोर स्क्वीज वॉश ओपन पील, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। अब इसी एक्टिविटी के पार्ट बी में दिया गया है, नाउ लिसन टू योर टीचर एंड सो द एक्शंस। तो यहाँ में 6 अलग अलग एक्शंस दिया हुआ है, जैसे पोर अ ग्लास ऑफ वाटर, स्क्वीज वन हाफ ऑफ ए लेमन, वॉश अ डिश, पील ए बनाना, कट लेमन इंटू 2 हाफ्स, ओपन ए विंडो। तो यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए गए हैं जिसे आपको करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो पोर अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक ग्लास पानी को पोर यानी उड़ेलना, ठीक है, तो ग्लास में पानी को उड़ेलना है। स्क्वीज वन हाफ ऑफ ए लेमन, तो नींबू को निचोड़ना है। वॉश अ डिश यानी एक प्लेट को साफ करो। पीले बनाना, तो जो बनाना है जो इसके छिलके को उतारना है। कट लेमन इंटू 2 हाफ्स, तो नींबू को 2 भागों में काटो। ओपन ए विंडो, खिड़की को खोलो। तो ये सारे, इन सभी को आपको एक्शन करना है, ठीक है, सिर्फ हाथों से एक्शन करके बताना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर में कर लोगे। थैंक यू।